नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को 27 फरवरी का मार्केट था। आज को मैं कोटक बैंक एंड टाटा ग्लोबल दोनों के ऊपर बेस करके कुछ एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो नॉट ओनली फॉर ए टाटा ग्लोबल एंड कोटक बैंक का एक्सप्लेनेशन है, हम लोग का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, उसका ऊपर बेस करके मेरा बेसिकली एक्सप्लेनेशन होगा। तो पूरा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिले, आपके कुछ बेटर रिस्पॉन्स आपको शायद हो इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो सॉफ्टवेयर होता क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर एक एडुकेशनल पर्पस यूज़ किया जाता है मार्केट को समझने के लिए, मार्केट का चार्ट पैटर्न को समझने के लिए। अब आपको देखना पड़ेगा जो ये चार्ट पैटर्न और ये सॉफ्टवेयर कितना एक्यूरेट है, आपको कितना प्रॉफिट दे पा रहा है, देन दैट इज़ ए गुड। एक्चुअली इस मार्केट में ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है और ऐसा कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है जो डेली आपको सेम परफॉर्मेंस देके जाए। मगर अगर आपका कंसेप्ट सही है, लॉजिक सही है, देन आप इस मार्केट में इजीली फाइट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मोटो। तो देखिए, मैं अब वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेरा सामने कोटक बैंक का चार्ट खुला है, तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। मतलब जब कोई सिग्नल बनेगा, सॉफ्टवेयर का काम होगा ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज देना विद साउंड अलर्ट। उसी टाइम उसका बाइंग वैल्यू ऊपर में देखिए T1, T2, T3, नीचे स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग लिख के आ रहा है। अब मेन चीज होगा प्रेडिक्शन। देखिए, ये जो बाय का कॉल बना था 1 बजे, तो 1 बजे जो बाय का कॉल आपका सामने बना था, क्या मुझे उस टाइम ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसको समझना ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो ये बाय का कॉल कितना जेन्युइन था समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन को डाल के रखे हैं जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन होता है बाय का कॉल में नीचे में एक रिबन चल रहा है जिसका कलर देखिए टोटली ग्रीन है। तो बाय का कॉल में नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। तो मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का रिबन का कलर ग्रीन था, मतलब मेरा फर्स्ट कंडीशन मैच है ऑलरेडी। सेकेंड कंडीशन में हम लोग को देखना पड़ेगा बाय का कॉल का पहले कहीं पर भी कोई स्टार बना है कि नहीं ग्रीन कलर का। तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत पहले यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कलर का स्टार बन चुका है। स्टार एक्चुअली ट्रेंड को फिल्टर कर रहा है, मतलब ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड आ चुका था मार्केट में बहुत पहले ही, तो मेरा स्टार का कंडीशन भी मैच हो गया। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। यहाँ पर देखिए आपको एक मूविंग एवरेज जैसा लाइन दिखाई देगा जो एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, मगर इसका जो मेन फंक्शन है, देखिए मिडिल में आपको एक वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर स्टार बना था एग्जैक्टली उसी जोन पे ये देखिए मूविंग एवरेज का लाइन ये न्यूट्रल को ब्रेक करके ऊपर गया था। तो ये लाइन का मूवमेंट अगर न्यूट्रल मतलब ये वाइट लाइन का ऊपर रहा, मतलब आप बाइंग में है, ये आपको पता चल रहा है। तो ये हुआ थर्ड कंडीशन, मतलब बाय का कॉल में नीचे का लाइन का जो मूवमेंट है वो वाइट लाइन का ऊपर होना चाहिए। तो जिस टाइम बाय का कॉल बना था मेरा तीनों का तीनों कंडीशन सही नजर आ रहा है, जो सारा कंडीशन सही था, मतलब कॉल मेरे लिए स्ट्रांग बन सकता है। मगर ट्रेड करेंगे कब, ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हुआ मैं तुरंत ऑर्डर लगा दिया। फाइनली ट्रेड करने का पहले हम लोग को और एक चीज़ देखना पड़ता है जिसे हम लोग कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी कहते हैं। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है हम लोग का सॉफ्टवेयर में, हर एक सिग्नल का पहले हम लोग का एक कैंडल बनता है, देखिए जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर का है कैंडल है क्या, ये ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर बेस करके बन रहा है। आपको इस ब्लू कैंडल का हाई को देखना है। सपोज इस ब्लू कैंडल के ऊपर मैंने क्लिक किया, इस कैंडल का हाई आपको ऊपर में देखिए लिख के आ रहा है 1676.4, इसका हाई है। तो ये जो बाय का कॉल है, इसका बाय का वैल्यू था 1675.15 पे। इस कैंडल का जो क्लोजिंग वैल्यू, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू को पहला वाला जो ब्लू कैंडल है उसका हाई का ऊपर जाना है जो यहाँ पर दिया नहीं। तो अगर इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर जाएगा नहीं, इसका मतलब है इसका कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर नहीं डालना है। ऐसा भी हो सकता है एक कैंडल ब्रेक नहीं किया मगर सेकंड कैंडल कर सकता है, थर्ड कैंडल कर सकता है, कहीं पर भी करेगा, मगर इसका ऊपर कोई भी एक कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी था जो यहाँ पर हुआ नहीं। देखिए मार्केट गिर गया, तो आप यहाँ पर ट्रेड भी नहीं लिए, आपको पैनिक होने का भी कोई ज़रूरत नहीं, मार्केट जो भी हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेड स्टार आ गया,
तो आपको दिखाई दे रहा है 1:40 का कैंडल में रेड आएगा आ गया, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर रहा है शायद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, शायद इसका बाद कोई सेलिंग का कॉल आपको मिलने वाला है, तो आप वेट कर रहे हैं सेल का कॉल के लिए। मगर देखिए उसका बाद वाला कैंडल पे फिर मार्केट रिवर्स बैक होने का कोशिश कर रहा है और इस कैंडल में 2:30 का कैंडल में यहाँ पर आपको फिर से ग्रीन स्टार दिया। फिर से ग्रीन स्टार देने का मतलब है ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था फिर आपको बता रहे हैं बाइंग ट्रेंड में आ गया है, सॉफ्टवेयर फिर से कोई फ्रेश कॉल नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा बाइंग का कॉल चल रहा है, ये ग्रीन स्टार देने का मतलब है आपका ट्रेंड यहाँ से एक्टिवेट हो गया है फिर से बाइंग के लिए। अब मुझे उसका बाद वाला कैंडल से या कोई भी कैंडल से आप ट्रेड कर पाएंगे, इस मोमेंट में आपका जिस कैंडल में स्टार बना है उस कैंडल का हाई को देख लेना है, जो उस कैंडल का हाई क्या है उसका ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोजिंग, मतलब जैसे इस कैंडल, ये जो कैंडल है इस कैंडल का क्लोजिंग स्टार वाला कैंडल का ऊपर चला गया, मतलब इसका कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी यहाँ पर लग गया है और एग्जैक्टली उसी टाइम आपको देख लेना है नीचे का रिबॉन भी ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब ये लाइन एग्जैक्टली वाइट लाइन को उसी वक्त ब्रेक करेगा उसी टाइम आप एंट्री ले रहे हैं, मतलब उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है इस सिचुएशन में। और एक इसमें एडवांटेज है, देखिए आपको मिडिल में 2 ग्रीन कलर का लाइन दिखाई देगा पैरेलली जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका क्रॉसओवर देखिए यहाँ पर हुआ, इसका अगर क्रॉसओवर एग्जैक्टली येलो लाइन का ऊपर होता है, येलो लाइन का एग्जैक्टली ऊपर में अगर ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर होता है तो इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा होता है ये पुशबैक मारने का ऊपर का तरफ। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंथ लोकेशन था ये जो कोटक बैंक का ये जो सिचुएशन था, अब यहाँ पर अगर ट्रेड करते तो आपको विद इन 2-3 कैंडल का अंदर ही आपको अपना रिजल्ट दिख जाता। तो मेन चीज़ है कंसेप्ट को समझना है सही जगह पर, अगर आप मार्केट को फाइंड आउट कर पाएंगे देन आप इजीली इस मार्केट में अर्निंग कर सकते। अब हमें देखिए और एक चार्ट लगाता हूँ टाटा ग्लोबल का। टाटा ग्लोबल में मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे ये जो बाय का कॉल है इसका कंसेप्ट मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो बाय का कॉल बना है इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं, जो स्टार है नीचे का रिबॉन भी ग्रीन है और ये लाइन भी वाइट लाइन का ऊपर है, तो इसका क्लोजिंग भी इसका ऊपर गया है, तो बहुत बंदा बोलता है तो ये अल्टीमेट ये हिट क्यों नहीं किया। एक्चुअली देखिए कंडीशन मैच होने का मतलब ही हर वक्त हिट करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना सारा देखने के बाद भी हम लोग बोलते हैं 80-85% का एक्यूरेसी, मगर 10 बार में से 8 बार आपको होने का चांसेस ज़्यादा है, 2 बार आपको लॉस होने का भी मतलब स्टॉप लॉस खाने का भी चांसेस होता है, क्योंकि इस मार्केट में ओनली प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉस बियरिंग का भी क्षमता रखना पड़ेगा। मगर इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैं एक ही चीज़ यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ, नीचे का इंडिकेटर। देखिए नीचे का इंडिकेटर यहाँ से ये वाइट को मतलब न्यूट्रल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो बोलने का मतलब है ये जितना धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा आपका उतना ही मार्केट में स्ट्रेंथ कमते जाएगा। यहाँ पर मेरा फोकस का पॉइंट यही है, अगर आपको कभी बाय का कॉल इतना दिखाई दे रहा है जिस टाइम सारा कंडीशन मैच है, मगर ये नीचे का जो इंडिकेटर है ये काफ़ी पहले इस वाइट को मतलब न्यूट्रल को ब्रेक करके जा रहा है और बहुत ऊपर चला गया धीरे 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 धीरे, मतलब आपका स्ट्रेंथ उतना ही कमते जाएगा। तो कोशिश करना है जहाँ पर ये वाइड लाइन को ब्रेक करे, जैसे मैं कोटक बैंक का दिखा रहा था, जहाँ पर आप ट्रेड करने जा रहे हैं एग्जैक्टली उसी टाइम अगर ये न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ का भी कुछ मैटर होता है, किसी का स्ट्रेंथ कम होता है, किसी का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। कम स्ट्रेंथ वाला कॉल भी हिट करवा सकता है, ऐसा नहीं कम स्ट्रेंथ का कॉल हिट नहीं कराएगा, मगर मैं फोकस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा कंसेप्ट या वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, या फिर मुझे इस नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, दैट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो, आप 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरीज रहा देन आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।